एवरीवन वेलकम टू कारखाना। दोस्तों हम एक बार फिर से आ गए डायमंड भैया के पास करोल बाग में, और आज मेरे पीछे आप इतनी सारी हैरियर देख रहे हो। फिर से आज बहुत सारी हैरियर हमारे पास है, ऑलमोस्ट 7 हैरियर आज आनी है, जिसमें से अभी कुछ मिसिंग है जो रास्ते में भी जाम की वजह से फंसी हुई है। बट मैं आपको दिखा दूं कि आज हमारे पास देखो अभी आपको कितनी हैरियर दिखाई दे रही है। तो अभी आपको यहाँ पर 4 हैरियर अभी सामने यहाँ पर नजर आ रही है, 1, 2, 3, 4, और एक 5वीं है जो कि पीछे लगी हुई है कैमो, जिसमें अभी PPF का काम हो रहा है, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। यहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है स्टिकर्स का, वो क्यों हो रहा है ये सब आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखो यहाँ पे भैया इसके जो स्टिकर्स हैं ये भी अभी लगा रहे हैं। ये सारी डिटेल्स आपको दूंगा कि यार डायमंड भैया के पास क्या क्या होने वाला है। तो देख लो आप एक बार फिर से कि यहाँ पर आज हमारे पास 5 हैरियर अभी हैं, 2 या 3 हैरियर अभी और आनी बाकी है। इन सब में आज बहुत सारा भरपूर काम नहीं बोलूंगा ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको पता है कि डायमंड भैया के पास जितने भी ठग ग्रुप से जो भी गाड़ियां हैं, यानी कि टाटा हैरियर का जो ग्रुप है ठग ग्रुप, उससे सारी गाड़ियां यहाँ पर आती हैं, बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। और कहाँ पर होती हैं, सिर्फ हैरियर का काम यहाँ पर RV कार एक्सेसरीज पर होता है। तो डायमंड भैया के पास यहाँ पर होता है। डायमंड भैया पता नहीं आपको नजर आ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अंधेरा है वहाँ पर, भैया हाथ ला रहे हैं। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आज काम क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ठग ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं विजिट करता रहता है। अभी कुछ टाइम पहले आपने हमारी वीडियोज़ में देखा था कि जो ठग ग्रुप है वो लद्दाख भी गया था और भी कई सारी जगहों पे इनके विजिट्स होते रहते हैं। तो अब ये ग्रुप कहाँ निकलने वाला है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक जंगल सफारी शुरू होने वाली है, जिसका आप स्टिकर यहाँ पर देख रहे हैं, एक बड़ा सा टाइगर देख रहे हैं, जहाँ पर जंगल सफारी और ठग का आप लोगों देख रहे हैं। तो अभी सेम ऐसा स्टिकर जो है अभी बाकी के हैरियर्स पे भी लगेंगे, तो ये सब आपको दिखाऊंगा मैं। और सिर्फ मतलब ये देखो, ये वीडियो दिखाने का पर्पस ये है कि अगर आपको भी अपनी गाड़ी पे कुछ इस तरह के जो स्टिकर्स हैं वो करवाने हैं, PPF करवाना है, तो ये सब आप यहाँ पर डायमंड भैया के पास आकर क्या करवा सकते हो। तो कुछ इस तरह का स्टिकर आप देखोगे, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे लग रहा है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। तो बने रहो हमारे साथ वीडियो में, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास भी हैरियर है और अगर आप ठग ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा ठग ग्रुप से जुड़ने का, ये भी आपको पता लगेगा। प्लस अगर आप प्लानिंग कर रहे हो हैरियर लेने की, तो भी आपको ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली, क्योंकि डेफिनेटली आप जब हैरियर लोगे तो आप ठग ग्रुप से अलग नहीं रह पाओगे, आप उसको ज्वाइन करोगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 तो ये हैं, और एक पीछे कैमो लगी हुई है, उसको हमने अभी फ्रेम में नहीं लिया, ले लेंगे बाद में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरह की भी हैरियर, यार हैरियर का तो टोरा ही अलग है। आप देख रहे हो यहाँ पर कि 5 हैरियर मैं आपको दिखाता ही हूँ ऑलमोस्ट हर बारी, 5 हो गई, 4 हो गई, एक साथ ही सब पे काम होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये हमारे जो कप्तान साहब हैं, अभी मैं उन साहब को मिलवाऊंगा। यहाँ पर आप देखो किस तरह का, यहाँ पर एक जो एक लोगो है जंगल सफारी का, वो यहाँ पर स्टिकर लगाया हुआ है। और चलो मैं आपको थोड़े से दर्शन कराता हूँ भाई हैरियर के। यहाँ पर अभी पूरी कोरी है ये, तो यहाँ पर अभी स्टिकर लगेगा इस वाली वाइट हैरियर में। रेड हैरियर में काम हो चुका है, तो यहाँ पर ये स्टिकर लग चुका है, ये अब आप देखोगे। और भी शायद कुछ होना है तो वो भी भैया बताएंगे, डायमंड भैया। और यहाँ पर इस डार्क एडिशन में भी अभी लगने वाला है, और इस वाले सिल्वर हैरियर में भी लगा चुके हैं। साथ में जो पीछे भी एक लायन है वो आप देखेंगे, तो ज़बरदस्त लुक आ रही है, रेड कलर की आईज़ हैं इसकी, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी अभी इसमें क्या क्या है डायमंड भैया बताएंगे। तो डायमंड भैया बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। डायमंड भैया आज इन हैरियर्स में, ओहो इन सबको बहुत ज़्यादा जल्दी, और इनको बारे निकलने देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भैया डायमंड भैया से फिर से। तो डायमंड भैया ये जो हैरियर ग्रुप है ये अब जा रहा है जंगल सफारी में, सब घूमने जा रहे हैं, सब घूमने जा रहे हैं। तो आज हमारे पास क्या क्या काम होने वाला है? हमारे पास जितना स्टिकरिंग का काम है, ठीक है, सारे इनके स्टिकर लगा रहा हूँ, बाकी छोटे मोटे सब सारे लगवा रहे हैं। ओके, वो सब कंप्लीट, एक्चुअली कंप्लीट हो चुके हैं, धीरे धीरे करते आ रहा था। चलिए, सब गाड़ी के इंतजार थे हमारी, और गाड़ी कितने आने हैं, अभी 2-4 गाड़ियाँ और आ रही है। बिल्कुल, मैंने अभी जैसा बताया कि एक कैमो हमारे पास जिसमें ऑलरेडी काम चल रहा था, हम फ्रेम में नहीं ले पाए, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा अपने व्यूअर्स को। बट इन गाड़ियों में जैसा स्टिकर का मेन जो काम है वो स्टिकर्स का होने वाला है, क्योंकि ये ग्रुप कल निकल रहा है आई थिंक, है ना। तो इसलिए चलिए अब मैं साथ साथ में दिखाता हूँ, बहुत सारा काम है अभी डायमंड भैया के पास। भैया अभी बहुत बिजी हैं, फिर मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है भैया। तब तक मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ हैरियर, और हैरियर के जो कुछ सिनेमैटिक शॉट्स हैं वो भी आप इंजॉय करना, आप मुझे बताना कि आपको कैसे लग रही है। और अगर आप भी हैरियर, ये हमारा भाई है, इसको बहुत लोग जानते होंगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, जो मेरे जो नए व्यूअर्स हैं मेरी तरह है ना। तो ये हमारे अभिषेक भाई, भाई मेहनत बहुत कर रहे हैं, भाई को सपोर्ट करो। अरे थैंक यू सो मच, ये हमारे भाई का प्यार है। बताऊं मैं कैमरे के आगे क्यों छुप रहा था, कि मैं सोचा व्लॉग ना थोड़ा अच्छा बने यार। अब तो और अच्छा बन रहा है, अब अच्छा बन रहा है, हमेशा ही अच्छा बन रहा है। ये मेरा भाई है, बहुत अच्छा। तो अभिषेक इसका ये है देसी छोरा, दिल्ली का, दिल्ली का। तो इनका चैनल है भाई
देसी छोरा दिल्ली का, देसी छोरा दिल्ली का इनका चैनल आप सब्सक्राइब कर भाई, सकते मैं हो। भाई की वीडियो देखता हूँ और भाई की वीडियो देख के मैं आया हूँ आरवी कार एक्सेसरी पे। ये देखो तो ये हमारे भाई का प्यार है, बहुत प्यारे हैं ये, इनका चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये देते हैं अलग अलग चीजों की, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। इनके चैनल पे जाओ या जब देखोगे तभी तो पता चलेगा। और मैं इनके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, तो वहां से आप जाकर के विजिट कर सकते हो। हमारे भाई को भी प्रमोशन हो रहा है मेरा, देखो भाई का नहीं ये भाई का प्यार है, तो प्रमोशन एक अलग जगह है लेकिन ये भाई का प्यार है और बहुत अच्छा है मेरा भाई। ये भाई एक बात बताओ, अभी यहाँ पे जितनी हैरियर लगी हुई है, हाँ ज्यादातर आपने इसमें से हैरियर अभी कितनी दिखाई होंगी वीडियो में? देखो अभी तक का एक रिकॉर्ड है कि इकट्ठे 5 हैरियर्स किसी ने भी अभी यूट्यूबर्स ने एक साथ नहीं दिखाई है, तो वही रिकॉर्ड हमारे नाम ही है, हमारे चैनल का नाम है कारखाना के नाम। तो 5 हैरियर्स जो है कि भैया की शॉप पे ही हुई थी, उसके बाद हमने 4 हैरियर्स की भी डाली है, मैंने भाई की वीडियो देखी थी। हाँ और ये आज फिर से हमारे पास, अभी जैसे हमें लगभग भी 6 हैरियर तो अभी है। यहाँ पे ऑरेंज कलर की हैरियर है और ये मुझे बाकी कार के मुकाबले काफी अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा। ये हमारे कप्तान साहब की गाड़ी है, उनसे मैं मिलवाऊंगा, वो वहाँ पे है एग्नेलो, मिस्टर एग्नेलो, तो उनसे भी मिलवाऊंगा जिन्होंने बहुत सारा कुछ काम करवाया हुआ है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये काम करवा सकते हैं, जैसे कि इनमें व्हील्स देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगने वाले हैं। तो काफी अच्छा काम यहाँ पर करवाया गया है, तो अगर आप भी हैरियर ले रहे हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी हैरियर है तो आप इस तरह का काम करवा सकते हैं। उसके लिए आपको कहाँ आना है आपको पता है, आपको आना है डायमंड भैया के पास करोल बाग मार्केट में। बाकी इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो भैया से भी डायरेक्ट ले सकते हैं फोन करके, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, उसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे। अब इस व्हाइट हैरियर पे काम शुरू हो गया, आने के स्टिकर लगाते हैं। दिखाओ पहले भैया स्टिकर, दिखाओ हमें कैसा स्टिकर है यार। ये रहा एक व्हाइट टाइगर और यहाँ पर आप जंगल सफारी का एक लोगो देख रहे हो, तो काफी अच्छा है। और अब भैया देखो इसका पहले जो सरफेस है इसको क्लीन करेंगे, धूल मिट्टी हटाएंगे यहाँ से और उसके बाद इसको लगाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी हैरियर आने वाली है, तो चलो मैं आप काउंटिंग करना दोबारा शुरू कर रहा हूँ क्योंकि बार बार हैरियर आए जा रही हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कैमो पे अभी पीपीएस का काम चल रहा है जो कि अभी टाइम लेगा, तो चलो अब काउंट करते हैं। ये कार नंबर 1 जो कि कैमो है, उसके बाद कार नंबर 2 जो कि एक डार्क एडिशन है, और कार नंबर 3 जो कि सिल्वर कार है, कार नंबर 4 डार्क एडिशन अगेन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे ओनर्स जो हैं अभी हमारे साथ में। मैं ओनरशिप रिव्यू आपको दिखाऊंगा, खैर वो अगली वीडियो में होगा। और ये कार नंबर 4 आई गेस 5, 6, 7 और ये रही 8, तो अभी 8 हैरियर यहाँ पर हैं। और ये हमारा रिकॉर्ड है कि भाई 8 हैरियर एक साथ आपको एक स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसपे काम होने आया है। और ये आया है आरवी कार एसेसरीज पर जो कि डायमंड भैया इसको ओन करते हैं, डायमंड भैया की शॉप है। कोई भी काम हो आप यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए ये ठग ग्रुप से आई हुई है, तो ये देख सकते हो आप, ये नंबर पंजाब का है, हिमाचल का भी आपने देखा, तो अलग अलग पूरी जगह से, हर जगह से गाड़ियाँ आ रही हैं, यूपी से भी हैं। तो यहाँ पर जो भी आज काम है आज ये डायमंड भैया के पास होगा। इसके ऊपर भी अभी स्टिकर लगेगा, आपको दिखा दूँगी, यहाँ पर अभी कोई स्टिकर नहीं है बट अब इस जहाँ पर स्टिकर लगाएंगे इसके ऊपर भी, जैसे यहाँ पर लगाए गए हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्टिकर का काम जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है। तो अब स्टिकर्स का काम तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है जो ठग ग्रुप है उनके मेंबर से मिलवाने का। तो यहाँ पर हमारे सारे भाई हैं जो कि खुद हैरियर ओनर हैं यहाँ पर, तो मैं सबसे एक एक करके नाम पूछाऊँ क्योंकि हमारे ये संदीप भाई हैं, इनको हम जानते हैं, हमने पहले वीडियोज में देखा है, मनीष भाई को भी जानते हैं, डायमंड भैया को तो हम जानते ही हैं, ये तो इस दुकान का मकान मालिक है ऑल टाइम फेवरेट। तो अब हम एक एक करके हमारे दो नए भाई आए हैं उनका भी नाम पूछेंगे। सर अपना नाम बताइए। प्रतीक फ्रॉम लुधियाना। प्रतीक जी हैं लुधियाना से। सर आप? सज्जन फ्रॉम करनाल। करनाल से हैं सज्जन। तो थोड़ा सा अब हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, मान साहब। अच्छा मान साहब, असली नाम बताओ मान साहब, नकली नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ऐसा थोड़ा मस्ती मजाक चलता रहता है, तो अभी थोड़ा सा हम भाइयों से पूछेंगे ठग ग्रुप के बारे में जो कि हमारे जो नए मेंबर्स हैं उनके बारे में, और आप कहाँ जा रहे हैं ये सब के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हम इस बार, हमने लद्दाख का ट्रिप जो पिछले बनाया था आपने देखा होगा, इस बार हम बना रहे हैं रणथंभौर का ट्रिप। ओके। और रणथंभौर में इस बार रिकॉर्ड गाड़ियां जा रही हैं 43 इसमें 43 हैरियर जाएंगी, एक कॉन्वॉय बना के चलेंगी, एक रिस्पॉन्सिबली हम चलेंगे, हमारे सारे थग मेंबर साथ में चलेंगे, अपनी अपनी फैमिलीज भी लेके आ रहे हैं बहुत सारे लोग,
और वी आर प्रीटी एक्साइटेड। यस, एक और ड्राइव तक की जो हम कवर करेंगे, आप लोग देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब एंजॉय करेंगे इसको। और थोड़ा सा आप भी बताएं, जो हमारे जो नए हैरियर ओनर्स जो आने वाले होंगे, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि प्लानिंग तो लोगों के आपस में चलती रहती है। मैसेज ऐसा सच कुछ नहीं है नए हैरियर ओनर्स के लिए, बिकॉज नए और पुराने से फर्क नहीं पड़ता। एवरी वन इज अ पार्ट ऑफ थक फैमिली एंड एवरी वन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। इट्स जस्ट अबाउट कौन किस ड्राइव में साथ हो सकता है, इट्स ऑल अबाउट दैट। लेह लद्दाख में वी वर अबाउट 22 कार्स, राइट नाउ इट्स 43 नंबर्स। एंड डेफिनेटली ये जंगल सफारी है, और जैसा कि हमने हैरियर को नाम दिया हुआ है बीस्ट, सो लेट्स रेडी टू रोर इन द जंगल। तो अब हम सर, अपना नाम एक बार बता दीजिए, कहाँ से? मेरा नाम चेतन चड्ढा, गोरखपुर से मैं आया हूँ। अच्छा, गोरखपुर से स्पेशली आए हैं, देखिए क्योंकि ये ट्रिप में ही जा रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा सा आप इस ग्रुप के साथ, ग्रुप का कितनी बारी गए अभी तक? मैं, मेरा पहला है। अच्छा, के साथ में, और बहुत एक्साइटेड था सबसे मिलने के लिए। सबके मैसेज ग्रुप पे आते थे, लगा कि नहीं यार एक बार मिलना चाहिए, सारे से मिलना चाहिए। सही है, और बहुत मजा आ रहा है मुझे, बहुत मजा आ रहा है, और आगे भी आने वाला है। सीट कवर का सारा काम करवा गए हैं। अच्छा, सीट कवर का सारा काम, भैया मैं डायमंड भैया मौका नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल बताएंगे कि भैया काम तो करवा के गए। दूसरा चक्कर है। तो अब मैं थोड़ा सा डायमंड भैया के लिए पूछ लूँ की डायमंड भैया ने जो भी आपकी गाड़ी में जो भी काम किया था। मैं स्पेशली खाली सीट कवर ही लगवाने आया था गोरखपुर से, 900 किलोमीटर से सिर्फ सीट कवर लगवाने। देखिए, इस चीज के लिए मैं बिल्कुल पूरे नंबर देता हूँ डायमंड भैया को, क्योंकि ऑल ओवर पूरे इंडिया से अगर मैं बात करूं, हर कोने से लोग पहुंच रहे हैं डायमंड भैया के पास। तो ग्रुप के थ्रू पहुंचे या फिर भैया का जो काम है वहां से आप देख ही रहो कि भैया किस तरह का काम करते हैं। तो जो भी जैसे काम आपने सीट कवर का करवाया, तो कैसा रहा काम? बहुत बढ़िया काम था। भैया को कितने नंबर दोगे आप? 10 out of 10। अरे यार, कोई तो नंबर काटो, कभी मैं तो यही बोलता कोई तो नंबर। देखो, नंबर काटने वाली बात नहीं है, इट्स सिंपल लाइक दैट। डायमंड भैया और आरवी कार एसेसरीज इज द ऑफिशियल कार एसेसरीज पार्टनर ऑफ थक फैमिली। बिल्कुल, ये तो मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ। और भाई, टाटा हैरियर का जितना भी काम भैया करते हैं, उससे अच्छा पूरी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। कोई भी गाड़ी हो। हाँ, कोई भी गाड़ी हो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टाटा हैरियर ही, कोई भी गाड़ी हो। हाँ, सारी गाड़ी हमने, क्योंकि भैया की जो शॉप पे ऑलमोस्ट दूसरी गाड़ी है, जैसे कि कौन सी, टाटा की तो ऑलमोस्ट सब दिखाई चुके हैं ना। और हमने अभी लास्ट टाइम जो दिखाई थी, वो दिखाई थी टाटा पंच की, क्योंकि नई कार है। आपके पास अगर वो भी है और आप आफ्टर मार्केट कोई भी काम करवाना चाहते हो, तो आपको कहाँ पे आना है? करोल बाग मार्केट में, जो कि भैया की शॉप का नाम आप देख रहे हो, नंबर भी फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, आप ये भी देख सकते हो। भैया से डायरेक्टली पूछ सकते हो, पीपीएफ भी करवाना हो तो भी आप भैया को तंग करो, उसके लिए पूछो कितने का लगेगा, कौन सी गाड़ी है। भैया को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है 820 वाले को। तो जैसा भी हमने आपको दिखाया कि आपने सारे स्टिकर्स लगवाए हैं गाड़ियों पे, बेसिकली सब में तो काम हो चुका था इनका, स्टिकर काम रह गया था। हाँ, वो सारे कंप्लीट किए आज। अच्छा, और एक गाड़ी पे सुबह से मैं देख, सुबह से नहीं, दोपहर से पीपीएफ हो रही है, तो वो कंप्लीट नहीं हुई है। खैर, पीपीएफ वाली वीडियो लोग डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए हम एक कंप्लीट स्टार्टिंग से वीडियो एक बनाएंगे, जो कि मैंने व्यूअर्स को दिखाना चाहता, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड है कि उनको पीपीएफ के बारे में थोड़ा बताया जाए, रीजनेबल प्राइस पे कहाँ से और अच्छा काम होता है। तो उसके लिए हमें वीडियो दिखानी होगी, जो कि आप जमर जी आ जाओ, फोन करके आ जाओ, मोस्ट वेलकम, हमेशा आपके साथ है। ठीक है, तो चलिए, अब आपको पता लग ही गया है कि, अच्छा भैया, आज फिर से रिकॉर्ड बना है, आज हमने 8 हैरियर दिखाई है। 8 हैरियर आ जाई, 3 तो सोमवार को करके दे दिया, मंडे को भी 3 गई हैं, वो हमने कवर नहीं कर पाए किसी रीजन से, क्योंकि मैं बिजी था। और आपको बता दूं कि मेरी खुद की वीडियोस आपने ऑलमोस्ट मंथ के बाद देखी होंगी, उसका रीजन ये है कि भाई मैं खुद स्टक हो चुका था, हूँ अभी भी, क्योंकि मेरे घर पे अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो मैं उसी में लगा हुआ हूँ। उसकी वजह से मैं कई बार भैया को मना भी कर देता हूँ कि भैया आज तो टाइम ही नहीं है कि मैं शूट करने नहीं आ पाऊंगा, उसके लिए आई एम सॉरी। बट हाँ, अब रेगुलर वीडियोस आया करेंगे धीरे धीरे, और हर तरह की वीडियोस आपको दिखाएंगे, हर तरह की मॉडिफिकेशन दिखाएंगे। भैया से अभी मेरी कुछ देर पहले बात भी हो रही थी कि कुछ ऐसी चीजें जो कोई भी कार ओनर हो, चाहे वो हैरियर हो या फिर नॉन टाटा ब्रांड, कुछ भी हो, तो उसमें आपको कुछ चीजें लगानी है, लाइक उसमें म्यूजिक सिस्टम लगवाना, टच स्क्रीन सिस्टम लगवाना, सीट कवर्स लगवाने, लाइटिंग वाइटिंग कुछ भी है, तो ये सब की डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए आने वाली है, जो कि डायमंड भैया ही उसको दिखाएंगे। आपको बस आना है फोन करके, या जैसे भी आप आना है, अगर दिल्ली में रहते हो तो कभी भी आ जाओ, कभी भी फोन कर दो, 24 घंटा फोन चालू हो। देखिए, ये जो शॉप है ना, इस पे ऑल ओवर इंडिया से गाड़ियां आती है, ठीक है, और अच्छा काम होता है, इसीलिए आती हैं। अब आप देख सकते हो, दिल्ली की भी है, यूपी की भी है, पंजाब की आप उधर सामने देख रहे हो, वेस्ट बंगाल तक से गाड़ियां आई हुई है, यूके की गाड़ी आई हुई है, तो हर जगह की गाड़ियां आपको मिल जाएंगी भैया के पास। कुछ कहना चाहते हो? और सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्किंग की कमी नहीं है, देख सकते हो सारी। बिल्कुल, देखिए पार्किंग की कमी नहीं है, हैरियर जैसी 8 गाड़ियां लग सकती हैं, तो कुछ भी लग सकता है, बस कहीं गाड़ी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं गाड़ी से रिलेटेड, अगर उसमें कुछ पार्ट लगवाना चाहते हैं, कोई एसेसरीज लगवाना चाहते हैं आफ्टर मार्केट, उसके लिए कॉन्टैक्ट कीजिए आप डायमंड भैया को। डायमंड भैया का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होता है और देख रहे हो,
तो डायमंड भैया फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, हमारे व्यूअर्स के साथ मिलते हैं, व्यूअर्स से भी मिलते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल कारखाना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें।